स्टूडेंट्स of वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ लेसन First is बॉडी नीड्स फूड फर्स्ट इज राइट which थिंग्स eat यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट dinner. आप ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता लंच यानी दिन का खाना और डिनर यानी रात के खाने में क्या क्या चीजें खाते हो वो तीन चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है तो जरूरी नहीं है कि आपको यही चीजें लिखनी है जो मैंने लिखी है जो भी आप खाते हैं वो लिख सकते हैं मार्क द सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो सही है या गलत है तो ट्रू और फॉल्स लिखना है वी मस्ट ईट ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एवरी डे हमें ब्रेकफास्ट लंच और डिनर रोज खाना चाहिए यस yes. तो आ जाएगा ट्रू फूड मेक्स एस हेल्दी एंड स्ट्रांग खाना खाना खाने से हम हेल्दी और स्ट्रांग बनते हैं येस yes. तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा एप्पल्स मैंगोज एंड ऑरेंजेस आर वेजिटेबल्स एप्पल मैंगो और ऑरेंज वेजिटेबल्स होती हैं नो no, वो फ्रूट्स होते हैं दे आर फ्रूट्स तो इसमें आ जाएगा फॉल्स वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स हम एनिमल्स से फूड लेते हैं यस ट्रू वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हम अलग अलग टाइप्स के फूड खाते हैं अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं यस ट्रू पीपल हु ईट मीट एंड चिकन आर कॉल्ड वेजिटेरियंस जो लोग मीट और चिकन खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियंस कहते हैं नो no, उन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये आपको अपनी कॉपी में करना है वॉट आर एनिमल प्रोडक्ट्स एनिमल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई मिल्क प्रोडक्ट्स मिल्क प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं वाई डू वी नीड फूड हमें फूड क्यों चाहिए खाना क्यों चाहिए नेम अ फ्यू मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम लिखिए इज राइस राइस एक ग्रेन है या पल्स है यानी कि अनाज है या फिर दाल है ये आपको लिखना है नेम अ फ्रूट विच हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ इट्स कलर आपको एक ऐसे फ्रूट का नाम लिखना है कि जिसका नाम एक कलर के नाम से भी मैच करता है नेम थ्री सैरल्स तीन सैरल्स यानी कि अनाजों के नाम लिखिए एंड नेम थ्री पल्सेस तीन दालों के नाम लिखिए यह आपको अपनी कॉपी में करना है मैच द कॉलम वीट इज वीट यानी कि गेहूं क्या होता है अनाज होता है ग्रेन होता है तो यहाँ ग्रेन हो जाएगा हनी इज एन हनी यानी शहद क्या होता है एनिमल प्रोडक्ट क्योंकि ये हमें एनिमल से मिलता है हनी बीज से मिलता है तो इससे मैच कर देंगे डिफरेंट काइंड ऑफ दाल्स आर नोन एज अलग अलग तरीके की दालों को हम क्या बोलते हैं पल्सेस कर्ड यानी दही क्या होता है एक मिल्क प्रोडक्ट दूध से बनता है वी फॉर वेजिटेरियन एंड एन फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड यहां पर हमको जो पिक्चर्स दिए गए हैं उनमें आपको देखना है कि कौन सा वेजिटेरियन है तो उसमें आपको वी लिखना है और जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें आपको एन लिखना है तो आपको पता है ना वेजिटेरियन मतलब जो हमें प्लांट से मिलते हैं और नॉन वेजिटेरियन मतलब जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं तो फर्स्ट वन इज चिकन ये हमें एनिमल्स से मिलता है तो ये नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा तो एन लिख देंगे यहाँ पर सेकेंड इज लेडीज फिंगर ये हमें प्लांट से मिलती है तो इसमें हम वी लिख देंगे इट इज वेजिटेरियन नेक्स्ट फ्रूट्स फ्रूट्स भी हमें प्लांट्स से मिलते हैं तो हम वी लिख देंगे वेजिटेरियन लास्ट में क्या है फिश और एग्स तो ये नॉन वेजिटेरियन है हमें एनिमल्स से मिलते हैं तो यहाँ पर एन आ जाएगा नाउ हेयर इज अ प्रोजेक्ट फॉर यू ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड यहाँ पर भले ही पेस्ट भी लिखा है लेकिन आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है ओके okay? तो जो भी फूड आइटम्स आप खाते हैं दिन भर में उनके आपको यहाँ पर पिक्चर्स बनाने हैं ओके okay? तो ये पूरी एक्सरसाइज पूरा लेसन आपको अपनी बुक में करना है और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है